गुलबर्गा शहर में ऑर्गेनाइज किए गए सीरतुन नबी मुकाबले जात में 17 दिसंबर को नाथखानी मुकाबले जात का फाइनल राउंड रखा गया था। इस मौके पर डॉक्टर असगर चुलबुल ने बताया, 8th स्टैंडर्ड से डिग्री कॉलेज से कुल 470 तुलबा तालिबात ने हिस्सा लिया था, जिसमें 120 तुलबा तालिबात ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। 120 में से जजेस ने कुल 33 तुलबा तालिबात को फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट किया था। 17 दिसंबर को इस मुकाबले जात का फाइनल राउंड रखा गया था, जिसमें 6 तुलबा तालिबात ने जीत हासिल की है। सीरतुन नबी स्टेडियन रिसर्च सेंटर कर्नाटका की जानिब से गुलबर्गा शहर में चेयरमैन डॉक्टर असगर चुलबुल की निगरानी में ये मुकाबले जात ऑर्गेनाइज किए गए थे। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। नाथखानी एक इबादत है। सबसे पहला नाथखा नाथ गो शायर भी कह सकते हैं, वो हजरत अबू तालिब है। उसके बाद जिसकी नात को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ में समाप्त किया और जिस पर फरमाया कि मेरे माँ बाप कुर्बान, वो है हजरत हसन इब्ने साबित। आका के सामने मिंबर पर बैठकर नात के अशार पढ़े जो अहदीस शरीफा में दर्ज हैं। आप बेहतर जानते हैं, वह हसन मिन का लम तरखत तो वही नहीं, वाजमल मिन का लम तलदी निसाओ उलिखता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कान न का कद खुलिखता कमा तशाओ। यह हजरत हसन इब्ने साबित ने खुद नात लिखी और जिसको आकाए करीम ने नीचे बैठकर, अब आप अंदाजा लगाइए, खुदा का हबीब फर्श पे बैठा है और नाथा मिंबरे रसूल पे जन्म गया है। खुदा का हबीब वजह तकलीफ कायनात जमीन के ऊपर बैठा है और मिंबर पे गुलाम बैठा है, तो नात का ये मर्तबा है। तिलावत कुरान के बाद, क्योंकि एक बात ये भी है कि अलहम के अलीफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
और आकाए करीम ने अपनी जाहिरी जिंदगी के आखिरी लम्हात में इर्शाद फरमाया कि मुझे अबू तालिब की नात सुनाई जाए। नात उसे कहते हैं सरकारी मदीना के अखलाक बयान किए जाए, सरकार का किरदार बयान किया जाए, सरकार का हुस्नो जमाल बयान किया जाए, जुदो नवाज बयान किया जाए, फजलो कमाल बयान किया जाए। ये नात अब अल्लाह ताला ने वही कुरान में बयान फरमाया वल्लैल इज़ा सजा वल्दुहा वल्लैल इज़ा सजा वरफा ना लका ज़िक्रक वरफा बालहुम दराजा अलम नशरह लका सदरक। ये अल्लाह ताला ने नबी की नात बयान। आप सूरह काफिरून भी पढ़े, सूरह काफिरून भी नाते रसूल है। तो मैं मुबारकबाद दूं असगर चुलबुल साहब को, यकीन से कुरान से किसी को इनकार नहीं हो सकता। अहादीस में बहस की जा सकती है, अहादीस पर कलाम किया जा सकता है कि ये ज़ईफ़ है, ये मौज़ू है, ये फला है, ये फला है, ये कवी है, मगर ना ये लिखने वाले को भी उसका कलम और उसका हाथ कांपता है। एक बात अर्ज करूंगा, इमाम अहमद रजा के पास एक शख्स आए, उन्होंने कहा हुजूर मुलाहिजा फरमाइए, इसकी तसी कीजिए कि मैंने आका की शान में नात लिखी है। आपने पूरा मुलाहिजा किया, सात अशआर थे, मक्ता और मतला छोड़कर पूरा मुलाहिजा किया। पूछा ये जितनी अशआर में बातें हैं क्या ये चीज आप पर गुजरी है, वो हालत आप पर ताजी हुई है जो बयान कर रहे हैं? मैंने लिख दिया है। तो इमाम अहमद रजा ने कहा नात के बहाने नबी पर झूठ बांधता है। आप सोचो वो कैफियत गुजरना। अब जैसा एक शेर है कि वो क्या है, अगर मुखद्दर ने या वली की अगर मदीना गया मैं खालिद, हजारों सजदे करूंगा सर, कुछ ऐसा है, हजारों सजदे करूंगा सर को झुका झुका कर, अगर इत्तेफाक से पहुंच गए तो हजार सजदे कर सकते हैं आप बोलिए। तो इसीलिए नात में पढ़ने वाले बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको और जो है सरकारी द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुस्तफाद करे, मगर लिखने वालों के लिए कलम को एहतियात से रखना चाहिए। आखिरी बात सुनिए, हजरत हसन ने कहा था कान का तत्कुलता कमाता शाह, यह अशआर है। अब ईमानदारी से बोलिए, मिंबर पे रसूल है, ये मिंबर पे हसन है, जमीन पे रसूल है। जब हजरत हसन ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं, तो सरकार को टोकना चाहिए कि नहीं? हसन तू मेरे जमाने में पैदा हुआ है, सहाबा के चेहरे तेरे सामने है, अहले बैत के चेहरे तेरे सामने है, मेरा चेहरा तेरे सामने है, और तू कह रहा है आप जैसा हसीन हो जमीन। तुम पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल कभी देखा? याकूब अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे, यूसुफ का तो हुस्न क्या बोलेगा। वह अजमलुल मिन का लम तलदिन निसाउ, आप जैसा जमीन खुदा ने पैदा ही नहीं किया। कुछ मतलब ये है, मिंबर पे बिठाकर हसन को आदम की आने वाली आ चुकी पूरी नस्ल नबी ने दिखा दिया, उसके बाद ये अशआर कहे उन लोग। ये नबी का मोजज़ा था, पूरी नस्ल को दिखाया, जो आ चुके जो आने वाले हैं सबके चेहरों को देखा, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन खुदा ने पैदा ही नहीं किया, किसी माँ ने आप जैसा जमीर जला ही नहीं। और उसके बाद कहा फाइनल जजमेंट दे दिया, तो लिखता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन या रसूल अल्लाह
अल्लाह ने आपको हर ऐप से पाक रखा, आप में कोई ऐप नहीं। और उसके बाद कहा था कुलिखता कमा तशा, आप जैसा चाहते थे खुदा ने वैसे पैदा किया, तकलीफ फरमाए आप जैसा चाहते थे, पूरों को खुदा जैसा चाहता था वैसा बनाया। तो अब जैसा मुस्तफा जाने रहमत है, अब उनकी शान के मुताबिक तवज्जो नदी की तरफ हो, कलम को जुम्बी की जाए और रूह को खिताब पर लाया जाए, वही नाथ है। मैं मुबारकबाद दूंगा इस घर साहब को, इस तरीके से जो शौक को शौक पैदा किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। घर हंसते मराठी नकनी जिंदगी की मराठी का ख्याल रखा जाए, वरना इंसान जिंदगी हो जाएगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, अस्खुदा फाहिम तौफीक अदब बेअदब महरूम गश अस्पत दे रहा। आज नाखानी में और दीगर मामला में अदब को छोड़ा जा रहा है, तो इसीलिए अदब के दायरे में रहकर ऐसी महफिलें सजाई जाए। मैं अजहर शुगुल साहब को आप तमाम की तरफ से फिर एक मरतबा मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला जब तक इनको जमीन पर रखे, इसी तरीके से महफिलें आवास्ता करते रहे और खुद भी सोचा आखिरत बनाए और ऑल इंडिया मिली कौंसिल गुलबर्गा और सीरत कमेटी के ज़र तमाम पिछले 5 सालों से तलबा और तालिबात ने मुसाबिकती जज्बा पैदा करने के लिए नात गोई का मुकाबले जात का इनेकाद जनाब असगर चुलबुल साहब और उनकी टीम की जानिब से मुसलसल हो रहा है, और इससे नात गोई और बच्चों के हौसला अफजाई के लिए इन्होंने बहुत सारे इनाम भी रखे हैं। जुमला 500 दरख्वास्तें तलब की आई हैं, जिसमें से 120 का इंतखाब हुआ। फिर आज तमाम जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको भी उनके हौसला अफजाई के लिए इनाम से नवाजा जाएगा। उम्मीद है कि यह सिलसिला ऑल इंडिया मिली कौंसिल और सेहत कमेटी की जानिब से मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। इससे नौजवान लड़के और लड़कियों में एक किस्म का शोर जाग गया है कि नात क्या है, नात गोई क्या है, और नात जो मिदत रसूल है इसकी अहमियत क्या है, इसकी हिफाजत क्या है। इससे जो है तलबा तालिबात को अच्छी तरीके से वाकिफ़ कराया जा रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब असगर चुलबुल साहब और उनकी सारी टीम को कि वो इस जलसे को उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल में भी जारी व सारी रखेंगे। सीरतुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टडी एंड रिसर्च सेंटर कर्नाटक ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल व मरकज सीरत कमेटी ज़िला गुलबर्ग की जानिब से 5वीं सीरतुलनबी नातिया मुकाबला जात इनामी मुकाबला जो मुनक़द हुआ है, उसमें हमें खुसूसी मेहमान के तौर पर मद्दुआ किया गया है। ख़ासकर यहाँ आने के बाद देखा कि हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो कि आज आने वाले दिनों में जो टीवी वगैरह में मशहूर थे, अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि नात शरीफ में इतने मशगूल हो गए हैं कि इतना प्यारे अंदाज से अपने लबों से कलियों की तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात गोई कर रहे हैं। माशाल्लाह, मैं आने वाले और भी बच्चों को ये पैगाम दूंगा कि इसमें शौक़ पैदा करें और आगे जो है ना इस ऐसे मुकाबलों में जो कि आज यहाँ पे असगर चुलबुल साहब जो कि अपनी जानिब से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करे हैं, इनामात रखे हैं, आज जो फ़ाइनल मुकाबला है उसमें बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह इनामात हासिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे आने वाले और नौजवानों को मैं ये मंदुआ करूँगा कि ऐसे मुकाबलों में आगे बढ़ें, नात गोई करें, अपने दीन को आगे बढ़ाएं। आज एक बहुत ही मुतबर्रिक महफिल जो बच्चों के मुकाबला नात शरीफ, तो उसमें मैं हकम की फ़राइज़ अंजाम दिया। ये बहुत बड़ी अच्छी जस्तजू है बच्चों में अवेयरनेस लाने के लिए। नात शरीफ के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, मुकाबले जात हो रहे हैं, ये हमारे डॉक्टर चुलबुल साहब की बहुत बड़ी काविश है और बड़ी मेहनत से वो क्या है इन प्रोग्रामों को तरतीब दे रहे हैं। नात शरीफ के अलावा भी मुख्तलिफ
آپ کے کوئز ہے، خیرت ہے، تحریری تقریری مقابلہ جات منعقد کر رہے ہیں تاکہ بچوں میں اویئرنیس پیدا ہو۔ مذہبی بیداری ہمارے نوجوان بچوں میں بالکل نہیں آتی، چنانچہ یہ کچھ ایسے موقع ہیں مقابلہ جات کے جو مختلف اسکولوں سے بچے کیا ہے کچھ حد تک ٹو سم ایکسٹینٹ کیا ہے ایک اویئرنیس آتی ہے کہ وہ تحریری مقابلے ہو، مضامین یا تقریری ہو، یا پھر نعت شریف کے حوالے سے ہو، یا پھر خیرت میں یا کوئز میں بھی بچوں کو بہت سارے کیا ہے معلومات حاصل ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئز میں تیاری کے لیے کم از کم سرکار کی سیرت کے تعلق سے بہت سارے ٹاپکس پر کیا ہے وہ جب سوالات جوابات یاد کرتے ہیں تو ان میں اویئرنیس آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے تربیت کے پہلو سے ایک بہت بڑی اچھی مہم ہے، اور اس میں ان نوجوانوں کو اور خاص طور پر اسکول کے بچے اس میں دلچسپی لیں اور ماں باپ کیا ہے اس طرف متوجہ کرائیں تاکہ کچھ نہ کچھ کیا ہے بچوں میں اویئرنیس آئے۔ سیرت کمیٹی ریسرچ سینٹر کی جانب سے یہ نعتیہ مقابلوں کا انعقاد یہاں پہ کیا گیا ہے۔ نعت پاک کی محفل بہرحال متبرک محفل ہے، اس میں بڑے ٹیلنٹڈ بچے تھے جنہوں نے اپنی نعت گوئی کی یہاں پہ، اور میں کریڈٹ دیتا ہوں احباب کو اور اصغر چلبل صاحب کو اور دوسرے احباب کو جنہوں نے انعقاد کیا تھا۔ اس کا سارے کا سارے بہت ہی کامیاب یہ فنکشن رہا آج کا، بہت سسٹمیٹک طریقے سے سب کمیٹیز انہوں نے بنائی ہیں۔ ابھی جیسے کہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اور اس میں سے کمیٹیز بھی انہوں نے بنائی ہیں، تو اس طرح سے ایک بہت سسٹمیٹک وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ نعت پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح کے لیے جو بھی کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ہی دیتا ہے۔ مرکزی سیرت کمیٹی گلبرگہ و ملی کونسل کی جانب سے ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب کی نگرانی میں، ان کی قیادت میں جو پروگرامز ہو رہے ہیں طلباء و طالبات کے لیے، خصوصاً نعت کے مقابلے، آج تو نعت کے مقابلے کا آخری فائنل راؤنڈ تھا جس میں تقریباً طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ تقریباً پچھلے 10-12 دنوں سے یہ مقابلے چل رہے ہیں گلبرگہ میں، انشاءاللہ یہ ریاست گیر مقابلے ہوں گے آنے والے دنوں میں، کیونکہ اس سال تقریباً 1,000-1,200 کے قریب اسٹوڈنٹس اس میں حصہ لے چکے ہیں، اور بھی اگلے سال بڑے پیمانے پر اس کو لے جایا جا سکتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب کو کہ اتنے اچھے پیمانے پر انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر اہتمام یہ مقابلہ جات منعقد کر رہے ہیں، اور طلباء و طالبات کی خاصی تعداد شریک ہو رہی ہے اور اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ میں This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.